बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल के मुख से न कोई बचा है, जरा सोच ले हो, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, है संसार सागर में जीवन के नैया, हे पतवार सत्कर्म सदगुरु के भैया, हे संसार सागर में जीवन के नैया, हे पतवार सत्कर्म सदगुरु के भैया, माया के चक्कर में हो, माया के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी, लगे अपना जीवन हो, लगे अपना जीवन सत्कर्म में, अब अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। आप सबको मेरा सादर प्रणाम हो, और सबसे पहले तो मैं ध्यान शिविर में पहली बार आई हूँ, और सबसे पहला दिन और दूसरा दिन बैठने में इतनी तकलीफ होती थी, ऐसा लगता था कि पता नहीं ये पैर और कमर का क्या हाल होने वाला है, सबको ही ऐसा महसूस होता था। और हमारे रूम में जो हम लोग पांच थे,
हम लोग आपस में बात भी नहीं कर पाते थे। यहाँ मौन रहने का तो बताया गया था, तो हम लोग सब मौन रहते थे। तो कल हम लोग सब लोग आपस में बात किए, कौन कहाँ से आए हैं और कहाँ से हैं, कितने दिन से जुड़े हुए हैं इस मिशन से, ऐसे सब कल बातचीत करके फिर हम लोग ग्रुप का फोटो लिए हैं, एक दूसरे से अपना विचार भी शेयर किए हैं। और जब तीसरा दिन हुआ ना यहाँ, तो तीसरे दिन में थोड़ा बहुत लगा कि हाँ बैठने का अभ्यास हो गया है। उसके बाद चौथा दिन, पांचवा दिन और छठवा दिन, ये तीनों दिन जो है अच्छे से बैठने का अभ्यास भी हो गया था। और छठवा दिन कल जो ध्यान करवा रहे थे गुरुजी, उस समय लगा कि आधे घंटे पौन घंटे तक बिल्कुल आंख बंद करके, जब बैठने के बाद बोलते थे ना सांस का ध्यान करिए, सांस के माध्यम से ध्यान करो, और उसके बाद ऐसे विचार आते हैं, तो बीच बीच में आंख बंद के बंद करते थे ना, तब बोलते थे कि ये सब जो आप सोच रहे हो ये अभी सोचने का वक्त नहीं है। तो ऐसा लगता था, सबको लगता था ऐसे कि हम जो सोच रहे हैं वो कैसे गुरुजी को पता चल जाता है, ऐसे करके लगता था। फिर आधा पौन घंटे के लिए जैसे अपने शून्य में चले जाओ, तो आँख बंद करने के बाद ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ। जैसे कहते हैं ना, अपने संस्कारों के जो एक जो विचार आते हैं, वो आधा घंटे के बाद ऐसे महसूस करने में लगा कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद ना फिर आँख खोल के देखी, अरे मैं तो ध्यान शिविर में हूँ। और उसके बाद लगा कि आज तो मेरा पैर भी दुख नहीं रहा है, ना कमर भी दुख नहीं रहा है। फिर धीरे से थोड़ा हिलने डुलने लगी, तब लगा कि हाँ ध्यान करने से हम सभी को ये एक अनुभव भी मिला है कि ध्यान से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और आइए, एक बहुत सुंदर सा एक गाना है, सांस सांस में भरा खजाना, अरे इसे पहचानो रे, सदुपयोग कर लाभ उठाओ, सीख सनातन मानो रे। सांस सांस में ही हमारा ये खजाना भरा हुआ है, तो आइए हम इस जीवन का सदुपयोग कैसे करें, इस भजन के माध्यम से हम सभी सुनें।